हेलो फ्रेंड्स, खम्मा गणी। तो कैसे हैं आप सब लोग फ्रेंड्स? जिस बॉटल का आज हम रिव्यू करने वाले हैं वो कंपनी लिक्वर इंडस्ट्री के अंदर एक लेजेंड है और उस ब्रांड का नाम है ग्रैंड्स ट्रिपल वुड ब्लेंडेड स्कॉच विस्की। चलिए जल्दी से इस बॉटल को अनबॉक्स कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आउटर बॉक्स की। रेड कलर का आउटर बॉक्स है, ग्रैंड्स ट्रिपल वुड ब्लेंडेड स्कॉच विस्की जो इसका ब्रांड है उसका नाम लिखा हुआ है। उसके अलावा जो कंपनीज को बना रही है, विलियम ग्रैंड्स एंड सन्स जो इसको बॉटलिंग कर रही है, जो इसको मैन्युफैक्चर कर रही है, उनके सिग्नेचर यहाँ पे मेंशन है। नेट क्वांटिटीज की है 750 ml, 750 ml और अल्कोहल बाय वॉल्यूम है 43%। उसके अलावा जो तीन कास्क यूज़ किए गए हैं इस विस्की को बनाने के लिए वो भी मेंशन है इस बॉटल के आउटर बॉक्स पे। फिर थोड़ी सी जो हिस्ट्री है विलियम ग्रैंड्स की, कब फाउंड हुई थी 1887 के अंदर, वो भी इसके ऊपर मेंशन है। और अब इस बॉटल को हम अनबॉक्स कर लेते हैं, निकालते हैं बॉटल को बॉक्स के अंदर से। बॉक्स को थोड़ा हम साइड कर देते हैं और बात करते हैं सबसे पहले बॉटल की। ट्रायंगुलर शेप की बॉटल है, जैसे कि आपने ग्लेनफिडिक की देखी होगी, 12, 15, 18 ईयर्स की वाली जो ग्लेनफिडिक आती है, सेम उसी शेप के अंदर ये बॉटल है। बहुत ही अच्छी बॉटल है, यूनिक बॉटल है दिखने के अंदर। और अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। जो दूसरी विस्कीज के ऊपर गैप बना हुआ आता है यहाँ पे और उसी को हम टीयर करके खोल लेते हैं, वो गैप इसमें नहीं है, टोटली सील पैक है ये बॉटल। तो चलिए अब इस बॉटल को जो सील है वो सील को हम अनबॉक्स कर लेते हैं, अनपैक कर लेते हैं। थोड़ा घुमाना पड़ेगा और एक साउंड आएगी और उसके बाद ये बॉटल ओपन हो जाएगी और अनबॉक्सिंग हो जाएगी। अंदर इन्होंने सिक्योरिटी मेजर्स के लिए लगा रखा है कैप, जिससे कि जो अदर विस्कीज है वो मिक्स नहीं हो पाए और इसकी जो प्योरिटी है वो बनी रहे। तो ये थी अनबॉक्सिंग ग्रैंड्स ट्रिपल वुड ब्लेंडेड स्कॉच विस्की की। तो चेक करते हैं अब इस विस्की को। उससे पहले ग्लास के अंदर मैं पोर कर लेता हूं। उप्स, बॉटल की जो शेप है वो शेप मेरे को बहुत ही अच्छी लगी है। ट्रायंगुलर शेप की बॉटल है और ये हमेशा मेरे को याद दिलाती है ग्लेनफिडिक की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कलर की। कलर इस स्कॉच का है मीडियम एम्बर कलर, आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा डार्क कलर नहीं है, लाइट कलर ही है। और चेक करते हैं कि आखिर नोजिंग क्या बोल रही है इस विस्की की। फ्रूटी, और फ्रूट्स के अंदर भी जो एप्पल स्ट्रेडल होता है, मतलब जो पेस्ट्री बनती है फ्रॉम एप्पल, वैसे नोट्स मिल रहे हैं, वैसे नोट्स फील कर पा रहा हूँ मैं इस स्कॉच के अंदर से। पियर है जो फ्रूट के अंदर आता है, पियर, उसका भी मैं नोट्स महसूस कर पा रहा हूँ। साथ में आई एम गेटिंग अ टच ऑफ बटर्ड पॉपकॉर्न और थोड़ा बहुत मेरे को स्लाइटली हिंट मिल रहा है जो टॉफ़ी होती है, उस टॉफ़ी के भी हिंट मेरे को इस स्कॉच के अंदर से मिल रहे हैं। फ्रेश फ्रूट्स, ऑलमोस्ट मैं कहूँ तो फ्रूटी, और फ्रूट्स में भी जो मेलन और लीची होता है दोनों का ही टेस्ट मेरे को मिल रहा है। थोड़ा बहुत हिंट मेरे को जो स्पाइसेस और जिंजर है उसका भी मिल रहा है इस स्कॉच के अंदर से। और इस ड्रिंक को मैंने जैसे ही ड्रिंक किया, जैसे ही सबसे पहले मेरे टंकी ऊपर टच हुआ तो मेरे को टिंगलिंग फील हुई इसके ऊपर, मेरे पैलेट के ऊपर टिंगलिंग फील हुई। तो इस टिंगलिंग का रीज़न स्पाइसीज ही हैं और जो हेल्दी मॉल्ट्स हैं, हेल्दी मॉल्ट्स का भी मेरे को फ्लेवर महसूस हो रहा है इस विस्की के अंदर। अगर मैं बात करूं फिनिश की तो फिनिश इस स्कॉच का है लॉन्ग, स्मूथ और स्वीट। तो इन दी एंड फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि इस विस्की के अंदर से मेरे को बहुत सारे जो फ्लेवर्स हैं वो फ्लेवर्स मिल रहे हैं, दैट इज़ रियली गुड। एंड सीरियसली मैं बहुत इम्प्रेस्ड हुआ हूँ इस स्कॉच के टेस्ट से। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, ये वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट स्कॉच विस्की है इन टर्म्स ऑफ
सेल्स वॉल्यूम, इतनी फेमस और डिमांडेड स्कॉच विस्की है ये, और ये बनी है 25 सिंगल मॉल्ट स्कॉच विस्कीज के ब्लेंड से। इसके अलावा भी इसके अंदर विस्कीज यूज की गई है, बट बहुत रिसर्च करने के बाद, बहुत आरएनडी करने के बाद भी मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया है। अगर मैं बात करूं एज स्टेटमेंट की, तो कोई भी एज स्टेटमेंट नहीं दिया गया है इस विस्की के ऊपर, बट 3 साल पुरानी तो है ही, एज पर स्कॉटिश लॉ की 3 साल पुरानी तो है ये स्कॉच, उसके अंदर कोई भी दो राय नहीं है। और ये विस्की जीत चुकी है सिल्वर मेडल इन इंटरनेशनल स्प्रिट्स चैलेंज जो कि हुआ था 2019 के अंदर। बात करते हैं दोस्तों प्राइस की। प्राइस इस विस्की की है गुड़गांव में 1100 रुपीज, 1100 रुपये प्राइस है, विद 750 ml क्वांटिटी इस बॉटल की आती है, और अल्कोहल बाय वॉल्यूम है 43%। ये था हमारा रिव्यू अबाउट ग्रैंड्स ट्रिपलवुड स्कॉच विस्की, एंड आई होप जिन लोगों ने अब तक इसको ट्राई नहीं किया है वो ज़रूर से इसको ट्राई करना चाहेंगे। आई होप मेरे जो रिव्यूज़ है आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे टू चूज दिस विस्की। तो चलिए, जाने का टाइम हो गया है, टाइम टू से गुड बाय, और ऐसी ही नई विस्कीज की अनबॉक्सिंग देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल व्हील्स ऑफ विस्की को। बाय बाय, चीयर्स और जय भवानी।